सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। हे व्हाट्सअप गाइस, तो फ्रेंड्स यहां पर ना मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं Redmi 6 और Redmi 6A डिवाइस को लेकर। यार यहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें कि मैंने बात की थी Redmi Note 6 Pro, Redmi 6 Pro और उसके साथ यहाँ पर Redmi 6A की जो स्टेबल अपडेट्स हैं उनको लेकर मैंने बात की थी कि अपडेट्स कौन सी होंगी। मैंने आपको उसमें बताया था कि भाई जो अपडेट है उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी आपके लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर उस अपडेट को छोड़ दीजिए फ़िलहाल, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा। तो भाई यहाँ पर बात करते हैं कि वो जो न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ क्या है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो भाई अगर तो वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंडिंग तक देखिएगा। अगर तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर यार आप सभी को पता होगा कि भाई यहाँ पर जो हमारे लिए लास्ट अपडेट रही है वो आपको पता है कि हमें अगस्त में मिल चुकी है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जो अपडेट्स हैं ये कौन सी होंगी, इनमें ऐसा क्या है कि जिसके बारे में मैंने आपके साथ बात की है। तो यार यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट ही दिखा देता हूँ ज़्यादा बात किए बगैर। तो यार यहाँ पर बात कर लेते हैं इमेज में जाकर और यहाँ पर बात कर लेते हैं अपनी अपडेट को लेकर। तो भाई यहाँ पर जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलने वाली है 1.6 GB की, बहुत बड़ी है। और यहाँ पर 4.3.0 का हमें देखने को मिल जाएगा स्टेबल वर्जियन, मगर अपडेट में कुछ खास तो है नहीं, क्या करना इस अपडेट का, है ना। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ को नहीं देखा, यहाँ पर 3.0 के आगे पी लिखा हुआ है। तो पी का मतलब आप सभी लोग जानते हो एंड्रॉयड पाई। तो यार हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है एंड्रॉयड पाई, यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आने वाला है हमारे लिए, शायद ही शायद काफ़ी न्यू फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, एक फ़ीचर देखने को हमें नहीं मिलने वाला। और उसके साथ बात करना चाहूँगा रेडमी 6A या 6 प्रो दोनों डिवाइस में आ रही है अपडेट, यहाँ पर किसी की भी बात मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर अगले मोबाइल में आ रही है 10.4.2.0 की, जो कि है पाई बेस, इसका भी साइज़ 1.6 GB का है और उसके साथ एंड्रॉयड पाई है और उसके साथ कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि यार ये जो अपडेट है ये तो चाइना की अपडेट है, आप सभी को पता होगा कि ये चाइना का मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो है ये हमें कब तक देखने को मिलेगी। तो भाई यहाँ पर सिंगल सी बात है भाई कि यार यहाँ पर ये जो अपडेट है आपको पता है कि आपको अपडेट जो है वो देखने को मिल चुकी है अगस्त में। अब यहाँ पर अगर आप अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको सितंबर के मिड में आपको या लास्ट में या उसके बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बोलूँ जब भी कोई एंड्रॉयड की अपडेट आती है, आप सभी को पता होगा कि हमारे लिए काफ़ी मतलब कि परेशानी होती है। अगर आपको तो एक मेजर अपडेट दी जाती है, आपको दूसरे फ़ोन्स के बारे में आपने कभी सुना होगा कि अपडेट जो है वो काफ़ी मतलब कि डिले होती है, दुआ कीजिए कि आपकी अपडेट डिले ना हो। मगर आपको अगर तो सही शेड्यूल रहा तो आपको एक महीने तक अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है पहले चाइना भी आती है उसके साथ 10-20 दिन बाद हमारे पास भी आ जाती है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर तो सब ठीक रहा तो। तो फिलहाल यार आज इस वीडियो में मैंने यही टॉपिक पर बात करनी थी आपके साथ। अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए आपके लिए सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, अल्लाह।